मुझे बैठे अपना हो अनुभव बताना है। जब आप एटेंडमेंट दे रही ना? थी हम, हाँ और बड़ा ऊर्जान्वित हाथ आया मतलब सर पे बहुत अच्छे से, और पता नहीं वो दिख रहा था हाथ बहुत अच्छे से, एनर्जाइज हो गया ऐसे लग रहा था। अरे भाली, बहुत बहुत अच्छा। बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा, पूरा वाइट वाइटिश एनर्जी से भरा हुआ है, बोलते ना रिन बार जैसे एकदम, बहुत बहुत वाइट था, बहुत अच्छा लग रहा था बहुत अच्छी, गुड अटेनमेंट। जी। तो आज का अनुभव मेरा बहुत अच्छा था, मतलब जब मेरा एटीट्यूड हो रहा था और मेरे बॉडी में कुछ पेन थे, मैंने ये बोला कि अब मैं कनेक्ट हो रही हूँ तो मेरा सब कुछ कम हो जाएगा, तो बॉडी में टिंगलिंग्स और पेन जो भी थे सब निकल गए, अब तक नहीं हुआ अब तक, ये बहुत बड़ी चीज है अभी। अमेजिंग दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम दीदी। एकदम आज खुशी है, पता नहीं दिन भर से कुछ अलग ही एनर्जी लग रही है, कुछ भी हो रहा है तो ऐसे डिप्रेस नहीं हो रहे हैं, एकदम पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खुशनुमा माहौल है, जैसे कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसी फीलिंग आ रही है। हाँ हाँ डेफिनेटली, रेकी सीखने से बड़ी बात बहुत अच्छा ही होना है, समझ लो। मेरे घर में भी सब लोग बोल रहे हैं कुछ तो हुआ, इतनी खुश लग रही है, मैं भी हाँ रेकी का मैंने अटेंडमेंट लिया है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम दीदी, देवशास्त्र गुरु को ही रियल धन्यवाद जाएगा अपना। फिर भी आपके कारण हुआ तो इसलिए ग्रेटिट्यूड फॉर यू ऑल्सो। हाँ दीदी, जो काम करते समय कुछ भी ऐसा लगता है जो मानसिक थकान हो जाती है, शारीरिक तो नहीं, मानसिक होती है, वो नहीं हुई है दीदी। मतलब कह सकते हैं कि काम करने से बोरियत महसूस नहीं हुई, लगातार भी करते रहते कुछ भी, तो फिर लगता है कि अभी कुछ नहीं, अभी तो शुरू किया, तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत समय से कर रहा हूँ ये, तो मानसिक थकान बिल्कुल भी नहीं होती है। और काम करने के बाद भी वो ऊर्जा का जो स्तर है वो बरकरार रहता है, वो कम नहीं होता है। ऐसे हुआ, और गर्मी थोड़ी ज्यादा लग रही है, तो आपने जैसे बताया कि पानी ही ज्यादा पीना है आज, और फलों का रस वो किया मैंने। गुड, वो तो मैंने बहुत 3 दिन तक कंटिन्यू बोला है, अटेंडमेंट के 3 दिन तक पानी जूस ज्यादा लेना है। हाँ दिव्या शाह दीदी, हाँ दीदी, आज बहुत अच्छा लगा, जो मैंने आपको बताया था कि पैरों में दर्द वगैरह था वो भी बहुत कम हो गया था, जो आपने ब्लेसिंग बोले थे कि पैर नीचे रखो और जितनी भी एनर्जी है एक्स्ट्रा एनर्जी वो जमीन में मिल जाए, बहुत अच्छा लगा था। और आज नेगेटिव थिंकिंग भी बिल्कुल नहीं आए दीदी, जितने आए पॉजिटिव आए, और नेगेटिव में कभी हम जाएंगे ऐसा भी नहीं लग रहा था। वाह दीदी, बहुत अच्छा, सही है, कभी नहीं जाएंगे आप लोग, और जब भी बहुत जाओ अच्छा तो रेकी फील का मेंटल सिंबल है उसी को अपने क्राउन चक्र और आजना चक्र में बना लो और थोड़ा रेकी दे दो, इंस्टेंट आपको पॉजिटिव थॉट्स आ जाएंगे। रहा। ओके जी, आप ये सारे सिंबल को अजमा के देखना, मतलब मैंने तो लिखवाया है नोट्स, बट आप उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, तो उससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट दोगुना चौगुना एकदम इतना हाई लेवल में बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि यस, यानी पूरे वर्ल्ड की कोई अच्छी संपदा पा ली अपन हाँ दीदी, ने। यस रिचा, हाँ दीदी, मेरे को अट्यूनमेंट के टाइम जब आप मुझे अट्यूनमेंट दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कुछ मेरे ऊपर सिंबल्स बन रहे हैं या कुछ मेरे अंदर सिंबल्स जा रहे हैं, और लास्ट में जब आपने कहा कि जब लास्ट के 2 मिनट्स में कि एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो उस बीम जो वो बीम आई उस लाइट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे मतलब चारों ओर एक ऐसा बॉल जैसा ऑरा जैसा कुछ फॉर्म हो गया, वो एकदम पूरा व्हाइट कलर का था और एकदम पूरा एनर्जी से भरा हुआ था। ग्रेट। ओ, बहुत। और फिर आज मैंने मतलब अपने पापा को भी दिया बैक पेन के लिए, तो उनको मतलब 60 to 70% आराम मिल गया। अरे वाह, बहुत और मेरे पास एक मेरे रिलेटिव है, उनका फोन आया, मतलब उनको थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है, तो उनने कहा, उनको पता चला मतलब मेरे पापा के थ्रू कि मेरा ऐसा रेकी का ये सेशन चल रहा है, तो उनने मुझे हील करने को भी बोला है। बहुत अच्छा रिचा, वैसे तो आप हो ही अच्छे हीलर, आप तो एकदम ग्रुप हीलिंग भी पूरा रिचा बहुत अच्छे से कर लेते हैं।